हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। 2.3 कराने से पहले सबसे पहले हमें एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसको बोलते हैं सीएस पहले परमे। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या, हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है पी एक्स है, उसको हमें किसी जी एक्स से भाग करेंगे। क्या करेंगे, जी एक्स से भाग करेंगे। जीएक्स से भाग करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष पल आएगा, वो हमें निकालना होता है। जैसे कि किसी ने तभी माइक पे, जैसे किसी ने तीन है, एक हमारे पास पीएक्स है, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन, इसको भाग करना है। इसको क्या करना है, भाग करना। किससे भाग करना बेटा, x प्लस वन से। x प्लस वन से भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये मान लिया जीएक्स। क्या मान लिया इसको, जीएक्स मान लिया। ये हमारे पास पी एक्स है, ये हमारे पास क्या जीएक्स है। पी एक्स को जीएक्स से भाग करने के बाद इसका रिमाइंडर निकालना है। इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम करते हैं जो हमें करते हैं एट क्लास में किया था, जो भी हमारे पास यानी कि हमें भाग करना है, इसको भाग करना, किससे करना है, इससे भाग करना है। रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम भाग करेंगे। एक तो हमारे पास रोंग मेथड है, एक तो शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले करेंगे लॉग मेथड से, इसको लॉग मेथड से करने के बाद फिर करेंगे इसको शॉर्ट मेथड से, जो हमारा एम है रिमाइंडर थ्योरम शेष पर थ्योरम। शेष पर है पर में बोलते हैं थ्योरम को हिंदी में। हमें भाग करना किसे भाग करना बेटा, एक्स प्लस वन से। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे, ये चलेगा बेटा कितने बार चलेगा, ये चलेगा थ्री एक्स बारी। इसका भी इसकी मल्टीप्लाई कितना, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा, तीन एक्स आएगा। ये माइनस में, ये माइनस में कट गया, से कितना आएगा, अब ये माइनस का टू एक्स माइनस का वन। अब ये कितने बार चलेगा, ये अब ये चलेगा माइनस का टू एक्स है, डिवाइड में एक्स कर लेते हैं, ये चलेगा बेटा माइनस टू है, कितने बार चलेगा माइनस के टू बारे। इसके मल्टीप्लाई करिए, माइनस का टू एक्स माइनस के टू, ये प्लस का, ये प्लस कितना बेटा, ये प्लस का हुआ। ये था आपके पास लॉन्ग मेथड। ऐसे आपको ये ऐसे ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। ये आएगा टेंथ में आएगा, या फिर एट में था। अब हम जो करना है, हमें इसको बिना भाग किए हुए, किसको, थ्री एक्स स्क्वायर था हमारे पास ही, प्लस में एक्स माइनस वन को बिना भाग के, किससे, एक्स प्लस वन से भाग करेंगे। हम भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालना आपको, ठीक है। इसको होते रिमाइंडर थ्योरम। तुम कैसे निकालेंगे, शुरू में जिससे भाग करना है वहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू। क्या निकालेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना, वन रिमाइंडर है, ले लेते हैं इसको। रिमाइंडर का होता है आर, रिमाइंडर कितना बेटा इसका, वन आता है इसमें, अभी किया था मैंने इधर, ठीक है। अब इसको इससे भाग करना है, तो हम जिससे भाग करना है उसको बराबर पुट करेंगे जीरो के बराबर। यहां से निकाले एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। कितने वैल्यू बेटा, माइनस वन। अब जहां पर भी एक्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पीएक्स के अंदर, पीएक्स के अंदर क्या पुट करेंगे, माइनस वन। किसके अंदर, इसके अंदर, थ्री इंटू क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। थ्री इंटू क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन माइनस वन, ये कितना होगा थ्री, ये माइनस वन माइनस टू, तो हमसे कितना इसका वन आ गया। उससे भी रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था, वन आया था। इससे भी रिमाइंडर कितना हमारे पास है, वन आया है। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं।
एक क्वेश्चन लेता हूं, उस एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से असल में आ जाएगा। करना कैसा है, दो स्टेप इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। थ्री एक्स की पावर फोर, फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन, इसको भाग करना है। ये हमारे पास पी एक्स मान लिया और ये मान लिया मैंने जी एक्स एक्स माइनस वन। इसको इसे भाग करने के बाद हमें क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना है। तो हम यूज करें रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे भाग करना है हमें भाग करना है इससे, किसको भाग करना है, इसको भाग करना है। तो इसको पुट करेंगे जीरो पुट, क्या पुट करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। यानी कि जिसको भी भाग करना है, जिससे भाग करना है उसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, राइट। और किसको भाग करना है उसके अंदर एक्स की वैल्यू, एक्स हो टी हो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से, किसमें माइनस में, किसमें जाएगा बेटा, ये प्लस में। इधर से निकालें एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको शिफ्ट करेंगे साइड, किसमें जाइए माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो क्या में, ये होता ऐसे होता है प्लस में तो माइनस में, माइनस में किसमें, प्लस में, मल्टी डिवाइड में किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में किसमें जाएंगे, डिवाइड में, ऐसे चलता है प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वन आ गई। जहां पर भी एक्स है उसे किसमें पुट करेंगे, पी एक्स अंदर पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, थ्री इंटू वन की पावर फोर, फोर इंटू वन की पावर क्यूब, थ्री इंटू वन माइनस वन, तो ये थ्री हो गया, ये कितना हो गया फोर, ये कितना हो गया थ्री, ये कितना होगा वन होगा। वन की पावर फोर कितना होता है, वन होता है, थ्री इंटू वन कितना होगा थ्री होगा, फोर इंटू वन कितना आएगा फोर आएगा, थ्री इंटू वन कितना आएगा थ्री, माइनस कितना होगा वन होगा। ये कितना है, इससे कैंसिल होगा, ये कितना माइनस का फोर माइनस का वन, कितना माइनस कितना होगा फाइव। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, माइनस कितना आएगा फाइव आएगा। ये था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन आपके, हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज, हमारे पास पी एक्स है, एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में थ्री एक्स प्लस वन, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, इसके पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वन, सेकेंड पार्ट एक्स माइनस वन बाय थ्री, थर्ड पार्ट इसी का एक्स से करना है, फोर्थ है एक्स प्लस फाइव से, फिफ्थ पार्ट इसी का फाइव प्लस में टू एक्स। क्या करना है इसमें, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, एक बार इससे भाग करना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे, ठीक है। इसके पार्ट है, सबसे पहले मैं पार्ट उठा था फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट उठा लिया मैंने इसका। स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में थ्री एक्स प्लस वन को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकाल, रिमाइंडर निकालना है। जो भी फ्लोइंग हमारे पास गिवन है उसको इससे भाग करने के बाद हमें क्या निकालना है, शेष फल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है।
क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना है। प्रोसेस क्या था, जिसको हमें क्या करना है, इसको भाग करना, क्या करना है, इसको भाग करना है। किससे भाग करना है, इससे भाग करना है। जिससे भाग करना है उसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, जीरो पुट कर दिया, यहां से निकालें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। अब क्या करेंगे, माइनस वन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, क्या जाएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर दर्शाते हमें आर से दर्शाते हैं, पूरा लिखो तो पूरा लिख देते हैं, क्या है रिमाइंडर, क्या है हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर जहां पर भी एक्स उधर पुट करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर, माइनस वन की पावर तीन, कैसे आएंगे, माइनस वन की पावर कितनी है, क्यूब है, प्लस में कितना आएगा, थ्री इंटू माइनस वन की पावर कितनी आएगी, दो, थ्री इंटू माइनस वन प्लस कितना आएगा, वन आएगा। सोल्व करेंगे, माइनस वन की पावर क्यूब कितना होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन की पावर टू कितना होता है, वन होता है, ये कितना आएगा, थ्री आएगा, माइनस का थ्री प्लस का कितना आएगा, वन आएगा, इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया बट्टा, जीरो। तो इसको इससे भाग करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय बोलते हैं, राइट। समझ में आया आपको ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट करोगे अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब क्या हमारे पास है, सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास है, एक्स माइनस वन बाय टू से भाग करना है इसको। प्रोसेस क्या बेटा, इसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, यहां से निकालें एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय टू आगी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वन बाय टू पुट कर देंगे, किसके अंदर है, इसके अंदर, जहां पर भी एक्स दिख रहा आपको उस अंदर पुट करेंगे वन बाय टू, वन बाय टू पुट कर दिया, इसकी भाव कितनी बेटा, तीन है, प्लस में थ्री इंटू कितना, वन बाय टू की पावर दो, प्लस में थ्री इंटू वन बाय टू, प्लस कितना आएगा, वन आएगा, राइट। ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, क्या जाए हमारे पास रिमाइंडर, ये लिखा मैंने आर एस, अलग अलग रिमाइंडर होता है, ये कितना आएगा, वन का कितना होता है, वन होता है, टू की पावर थ्री कितना होता है बेटा, एट होता है, प्लस में थ्री बाय कितना आएगा, फोर आएगा, वन का स्क्वायर कितना, वन होता है, और टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर आएगा, और मल्टीप्लाई क्या था, थ्री था, कितना थ्री बाई फोर, ये कितना आएगा, थ्री इंटू वन कितना आएगा, थ्री बाई कितना टू आएगा, प्लस कितना आएगा, वन आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एट फोर टू का और वन का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं ऐसे, एट फोर टू वन, किसे डिवाइड है, टू से डिवाइड होता है, टू वन वन, अब किसे होता है, टू से होता है, अब ये टू से होता है, तो बड़ा इसका रिमाइंडर कितना आ गया, एट आ गया, कितना आ गया, एट, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एट आ जाएगा, अब ये कितना आएगा, वन आएगा, अब ये कितना आएगा, टू कितना, सिक्स आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, चार चार तीन बारह, प्लस कितना आएगा, आठ आएगा, राइट। इसका बड़ा कुछ नहीं किया मैंने, ऐड करना है इसका, इसका एलसीएम ले लिया, एट फोर टू वन का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपको लेना आता ही है, बाद में ऐड ही करना है ये, और कुछ नहीं करना है इसका। ए वन आ गया, ये कितना हो गया, चार दुनिया आठ, तीन दुनिया छह, ये कितना हो गया, दो चार चार तीन बारह, आठ एकम आठ, बारह और आठ कितना, बीस बीस छब्बीस छब्बीस कितना, सताइस, कितना बेटा, सताइस बेटा कितना आ गया, आठ। ये हमारे पास क्या रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर ही निकालना था इसका, राइट। समझ में आया बेटा, ये देख लो अच्छे से, ठीक है, करना क्या बेटा, जहां हमें जिससे भी भाग करना है उसको पुट कर देंगे जीरो बराबर, वहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कितना, वन बाय टू आएगी, वन बाय टू इसके अंदर पुट कर देंगे, जहां पर भी एक्स किधर है इसके अंदर पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा सोल्व करने के बाद वहां पर रिमाइंडर आ जाएगा इसका, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास यही जीवन थी।
अब इसी का करते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, x, x से भाग करना है, तो इसका क्या करेंगे जीरो बराबर, तो x से बराबर कितनी आएगी जीरो, जहां पर भी x है उधर पुट क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, जीरो की पावर तीन, थ्री इंटू जीरो की पावर दो, थ्री इंटू जीरो प्लस कितना आएगा वन आएगा, तो कितना हो गया जीरो, ये जीरो ये जीरो कितना आएगा वन आ गया, जीरो प्लस वन कितना होता है वन होता है, ये आ गया आपका। इसी का फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास है, फोर्थ पार्ट एक्स प्लस में पाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास जीरो, एक्स इक्वल निकालेंगे कितना आएगा माइनस का पाई प्लस में, इस प्लस में इसको शिफ्ट कर ले किसमें हो जाएगा ये माइनस में पाई, माइनस पाई की पावर क्यूब, जहां पर भी एक्स है उधर उधर क्या पुट करेंगे माइनस के पाई, माइनस पाई की पावर क्यूब प्लस में थ्री इंटू माइनस पाई की पावर दो, थ्री इंटू माइनस पाई प्लस वन कितना आएगा माइनस ही पाई की पावर कितना आएगा क्यूब आएगा, प्लस में थ्री इंटू क्या आएगा पाई स्क्वायर आएगा कितना माइनस के थ्री पाई प्लस में वन, ये हमारे पास क्या गया इसका रिमाइंडर आ गया राइट। कुछ नहीं गया बेटा, क्या क्या गया इसके अंदर, एक्स प्लस पाई इक्वल टू क्या क्या पुट करता जीरो, या सिंपल एक्स की वैल्यू किस में ये प्लस में है, इसको शिफ्ट करें किस में जाएगा ये माइनस में, जहां पर भी एक्स अदर हम पुट करेंगे माइनस के पाई, माइनस पाई की पावर क्यूब प्लस में क्या आएगा थ्री इंटू पाई की पावर दो है प्लस में थ्री इंटू एक्स वैल्यू क्या माइनस पाई प्लस में क्या आएगा वन आएगा, पाई की पावर क्यूब कितना आएगा पाई की पावर क्यूब, ये माइनस था माइनस आ गया, ये कितना है माइनस पाई के पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर होता है इंटू में क्या थ्री है, थ्री इंटू पाई कितना आएगा माइनस के थ्री पाई प्लस क्या आएगा वन आएगा, ये हमारे पास गया रिमाइंडर आ गया जी। अगला पार्ट अपने आप से कर लेना, थोड़ा सा करा देता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट इसी का, फाइव प्लस क्या टू एक्स है, इसको पुट करेंगे जीरो के बराबर है, तो यहां से एक्स वैल्यू निकालेंगे किस कितना आएगा टू एक्स, इसको सब्ट करेंगे माइनस के फाइव, एक्स वैल्यू कितनी आएगी माइनस के फाइव आएगा कितना टू हो जाएगा, जहां पर भी एक्स उधर पुट कर देंगे क्या पुट करेंगे माइनस के फाइव बाई टू, किसके अंदर है इसके अंदर पुट करना, आंसर चेक करना फिर अपना। सेकेंड क्वेश्चन इसी का स्टेटमेंट पढ़ा करो साथ साथ में, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में छह एक्स माइनस में ही को एक्स माइनस ए से क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना, क्या निकालना है इसका रिमाइंडर निकालना है, फाइंड रिमाइंडर निकालना है, क्या करना है इसको इसको इससे वाह करने के बाद क्या निकालना है इसका रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे मैंने क्या बताया था इससे वाह करना, तो हम क्या करें इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, क्या करें जीरो के बराबर पुट कर देंगे, एक्स वैल्यू कितनी आएगी प्लस का ये कितनी आएगी, यहां से एक्स वैल्यू कितनी आएगी ए आएगी, किसमें माइनस में इसको इसको शिफ्ट करें किस किस में जाएगा ये प्लस में जाएगा, यहां से एक्स वैल्यू क्या आएगी ए आएगी, और किसके अंदर पुट कर दे हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जहां पर एक्स अंदर उधर हम क्या पुट करेंगे एक्स बराबर है तो ए क्यूब ए इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में छह इंटू में ए माइनस में ई, जहां पर भी बेटा एक्स है किसके अंदर एक्स इसके अंदर, जहां पर भी एक्स अगर हम पुट करेंगे क्या पुट करेंगे एक्स बराबर है ए पुट करेंगे क्या आएगा ए क्यूब माइनस में ए एक्स एक्स वैल्यू क्या है ए है, तो कितना ए स्क्वेयर हो गया, ये कितना छह इंटू में ए माइनस कितना हमारे पास ए है, कितना ए क्यूब ए की पावर दो ए कितना ए की पावर तीन प्लस में क्या आएगा छह माइनस कितना हो गया ए क्यू कैंसिल हो गया,
ये कितना है छह, ये कितना है एट, कितना आएगा पांच, ये आंसर हो गया राइट। अगला क्या हमारे पास है, चेक करना है सात प्लस में तीन एक्स थ्री एक्स क्यूब प्लस में सात एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर फैक्टर चेक है, हम कैसे चेक है, हम कैसे चेक करते हैं फैक्टर है? फैक्टर चेक करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे हम ऐसे देखते हैं चार आठ का फैक्टर है क्यों है, क्योंकि ये चार के टेबल में आता है, चार इसको प्रॉपर्टी क्या करता है डिवाइड करता है। रिमाइंडर आठ को हम क्या करेंगे चार से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आ गया जीरो आ गया रिमाइंडर। यदि कोई भी हमारे पास क्या है कोई भी संख्या है उसका फैक्टर चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए ठीक है। तो हमें हमें क्या दिखाना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर 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 चेक करने के लिए, फैक्टर चेक करने के लिए हम यूज करें रिमाइंडर थ्योरम का ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, यदि इसका रिमाइंडर जीरो आता है, क्या था उसका रिमाइंडर जीरो आता तो हमारे पास तो हमारे पास क्या जाएगा फैक्टर हो जाएगा ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे ठीक है, हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, क्या निकालेंगे एक्स की वैल्यू, थ्री एक्स किसी माइनस में प्लस में किसमें जाएगा माइनस में जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आएगी माइनस सात बटा कितनी आएगी तीन आएगी, कितनी आएगी एक्स वैल्यू कितनी आएगी माइनस सात बटा में तीन आएगी। अब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करें किसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, देखते हैं थ्री इंटू कितना आएगा माइनस के सेवन बाई थ्री की पावर क्यूब प्लस में क्या आएगा सेवन इंटू सेवन बाई थ्री, यदि इसका रिमाइंडर जीरो आता तो हम कह देंगे इसका ये फैक्टर नहीं तो नहीं है, चाहे कहते हैं रिमाइंडर जीरो आ नहीं आ रहा है। लेकिन थ्री सात क्यूब कितना होता है तीन सौ सैतालीस होता है, ये कितना आएगा सताइस आएगा, ये कैंसिल कर दो इसको माइनस का नो, ये कितना आएगा उनचास बटे कितना आएगा तीन आएगा, ये तो कितना आएगा तीन सौ तैतालीस बटे कितना आएगा नो माइनस के उनचास बटे कितना आएगा तीन आएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का ऐसे कह लें इसका ऐसे ले लेंगे ऐसे मिलेंगे तो भी इसका आंसर हमारे पास क्या है जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका हमारे पास ये फैक्टर नहीं है राइट। समझ में आया कि यदि इस कार्य में इसका रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कहते हैं इसका फैक्टर है, ये करना क्या है इसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, यहां से निकालें एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, यदि रिमाइंडर जीरो आता है इसका आंसर जीरो आता है तो हम कह देंगे फैक्टर है नहीं तो नहीं है। ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.3।